पेश है हिंदी जबान में अपडेट। 5 अगस्त 2019 से भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघनों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। 5 अगस्त 2019 को आरएसएस समर्थित मोदी शासन का अवैध निर्णय तथा उसके बाद की कार्रवाइयां राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के बिल्कुल विपरीत हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की भारतीय सरकार ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम जनसंख्या के विरुद्ध आतंक ढाया हुआ है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के पश्चात से 428 निर्दोष कश्मीरी भारतीय सशस्त्र बलों की बुलेटों का निशाना बन चुके हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में जनवरी 1989 से अगस्त 2021 तक 95,861 कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अवैध हत्याएं, नजरबंदियां तथा अन्य अत्याचार भारत की मानव अधिकार उल्लंघनों की एक श्रृंखला है। काले कानूनों के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों को मिली छूट ने उनको भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में व्यवस्थित रूप से मानव अधिकार उल्लंघनों के लिए और अधिक दिलेर कर दिया है। सार्वभौमिक मानव अधिकार संगठनों द्वारा कश्मीर में मानव अधिकार उल्लंघनों की चल रही श्रृंखला की अनेकों रिपोर्टें उपलब्ध हैं। मोदी के नेतृत्व की सरकार पार्श्विक शक्ति के द्वारा कश्मीरियों की स्वतंत्रता की इच्छा को कुचलने पर तुली हुई है। भारत संसार का सबसे विशाल प्रजातंत्र का दावा करता है, परंतु भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में वह खुल्लम खुल्ला मानव अधिकारों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है। भारत की सैन्य नीति के कारण संपूर्ण दक्षिण एशिया की शांति दांव पर लगी हुई है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की बिगड़ती हुई स्थितियां तुरंत रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान की मांग करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में बढ़ते मानव अधिकार उल्लंघनों को समाप्त करने में सहायता करनी चाहिए।